हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? पता है, मैं आज आपके लिए बहुत लाइट ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। सपोज अगर हमने दिन में कुछ हैवी खा लिया है और इवनिंग में कुछ हल्का खाना है तो हम वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब एज अ डिनर। तो चलिए, मैं आज आपको अपनी सबसे फेवरेट रेसिपी बताती हूँ, जिसका नाम है सूजी रोल। मतलब ये बहुत क्रिस्पी और छोटे छोटे बॉल्स की तरह बनेंगे और बहुत यम भी लगते हैं। मेनली ये बहुत लाइट होता है। वन बोल तो कर लिया है, ये थोड़ा खट्टा है। जैसे होता है ना कि हमारा जब हम डेली कर्ड यूज करते हैं बाद में पानी बच जाता है, जस्ट मैंने वही यूज किया है। और खट्टा हो तो इट इज वेल। और ये मैंने सूजी लिया है वन बोल, इसको मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया है, मतलब इसको आपको पहले भून के रखना है। ओके, अब मैंने इसमें ये वन बोल सूजी लिया और एंड वन अनदर मीन टू बोल। ओके, अभी इसमें ये जो मेरा कर्ड है, इस कर्ड को थोड़ा सा मुझे विस्क करना है। एक्चुअली हमें ये पेस्ट बनाना है, इसको हम गरम करके पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद इसकी हम स्टफिंग करेंगे। देखते रहिए, अब कोई भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है। इस तरीके से मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया है बिल्कुल। और अब मैं इसमें ये मतलब वाटर बॉईल करने रखी हूँ कढ़ाई में, और जो कढ़ाई के पानी का जो अंदाज होता है वो एक्चुअली जितनी हमारी सूजी है उसका 3 times मोर देन, मतलब कि जितनी सूजी ली है, सपोज कि मैंने 2 bowl सूजी ली है तो आपको पानी 6 bowl लेना है। ओके, और ये हम कट कट करेंगे और इसका बिल्कुल डो हमको रेडी करना है। चलिए तो चलते हम अपना पेस्ट बनाने। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में 6 bowl वाटर ले लिया है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही मेजरमेंट बताया था। और अब मुझे जब ये वाटर बॉयल हो जाएगा, एक्चुअली बिल्कुल अच्छे से गर्म तो ये हो ही रहा है, हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मतलब कि नारियल का बुरादा डालेंगे और फिर हम धीरे धीरे करके इस सूजी को मिलाएंगे और इस तरीके से इसको स्टर करते रहेंगे जिससे कि इसमें लम्स नहीं आ पाए। इस तरीके से धीरे 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 इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। फिर हमने ये जो अपना कर्ड रेडी किया था वो डालेंगे, व्हाइट सॉल्ट, और हमको फिर इसे बिल्कुल अच्छी तरह इस तरीके से मिक्स करना है जिससे कि इसमें लम्स नहीं पड़ना है। मीडियम फ्लेम करनी है। अब आपको आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इतना थिक कंसिस्टेंसी में इस पेस्ट को रेडी करना है, बिल्कुल एक्चुअली ये डो ही जैसा होना चाहिए। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसमें केवल हार्डली 15 मिनट्स लगे हैं। और अब हम इस डो को ठंडा होने के लिए रखेंगे, बिल्कुल जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा जब हम इसकी फिर इडली बनाएंगे। इसी बीच मीनवाइल मैं अपना स्टफिंग रेडी कर रही हूँ, जो मुझे इससे स्टफ करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस किस रिक्वायरमेंट्स की नीड होगी। देखिए, आप देख सकते हैं, अब मैंने स्टफिंग का इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। एक्चुअली इसमें आप वेज ऑप्शनल होते हैं, सफल मटर यूज कर सकते हैं, कैरेट यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास जो भी इजीली अवेलेबल था मैंने वही यूज किया। मैं आपको भी यही बोलूंगी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सफल मटर डाल सकते हैं अंदर स्टफिंग में, पनीर यूज कर सकते हैं, चीज यूज कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग दीज। ओके, तो इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं। ये कैप्सिकम और जिंजर, अनियन एंड चिली बिल्कुल चॉप कर लिया है, बारीक बारीक कट कर लिया है, एंड बीन्स एंड टोमेटो, हाफ लेमन, चिली फ्लेक्स, मस्टर्ड सीड्स, व्हाइट सॉल्ट एंड काली मिर्च। ओके, तो अब हम किसी फ्राइंग पैन में मस्टर्ड ऑयल लेकर इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छे से सोटे करेंगे, मतलब शेलो फ्राई भी नहीं कर सकते, बस जस्ट रोस्ट एंड सोटे वाला कंडीशन होना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने एक फ्राइंग पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है
और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हींग, जो हमारी दाल के तड़के में यूज होती है ना, वही, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हींग। और फिर ये मस्टर्ड सीड्स, के बाद अनियन एंड ग्रीन चिली। बस इस तरीके से हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है, ओवर कुक नहीं करना है, बस 5-10 मिनट के डिफरेंसेस पे। अभी मैंने इसमें कैप्सिकम एंड जिंजर और हम इसे चलाते रहेंगे। अभी मैं इसमें बीन्स सर्व कर रही हूँ, बीन्स को भी ऐसे 5 मिनट तक हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इस कंडीशन में हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं एंड चिली फ्लेक्स 2, ब्लैक पेपर, नाउ आई एम एडिंग टोमेटो। और फिर से अगेन हमें इसे 5 मिनट तक इसी तरीके से चलाना है। देखिए अब हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। इसमें लेमन देखिए, जब ये बिल्कुल मतलब ठंडा हो चुका है, अब इसमें मैं इस टाइम टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, ओनली 1 स्पून। और अगर आपके घर पर ग्रीन चटनी बनी हुई हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और बस अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अभी हमने जो अपना डो बनाया था, अब हम उसमें इसको फिल करेंगे। ओके, अब देखिए ये डो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप इस तरीके से इसके हैंड पर ऑयल लगाएंगे और इसके छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे, इससे बॉल होता है ना, छोटी छोटी बॉल्स इस तरीके से। हम अपनी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। आपको जो साइज पसंद हो वो यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने अपने सब सूजी के बॉल्स बना लिए हैं और जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इसको एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई करेंगे। वो स्टेप मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए अभी मैंने नॉन स्टिक लिया है, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। ओके, और उसके बाद हमने जो अपना स्टफिंग रेडी किया था वो डालेंगे। और उसके बाद तो इस तरीके से पूरा चलाना है। और फिर ये हम अपने बॉल्स जो हमने रेडी किए थे तरीके से उनको डाल देंगे। बहुत लाइट वेट और बहुत क्रिस्पी ये ब्रेकफास्ट है, आप जरूर ट्राई करिएगा। और जब हमने ये यूज किया है उस टाइम कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर की फिल्टी बहुत अच्छी लगती है। चाट मसाला, अगर आपके पास ऑरिगेनो हर्ब है तो मजेदार बात है, बिल्कुल इसमें चाइनीज वाला फ्लेवर आएगा। और इसको हम अच्छे से बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक हमें इसी तरीके से इसको पकने देना है और बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी होने तक। अभी आप इसमें सोया सॉस 1 स्पून में ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है। सूजी बॉल्स आपको खाने में बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। इस तरीके से हमें इसको अच्छे से कुक करना है। देखिए आप देख सकते हैं
अब ये मेरे सूजी बॉल्स बिल्कुल चारों तरफ से, मतलब मैंने इसको हर तरफ से बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लिया है। अभी नाउ रेडी टू सर्व। देखिए अभी किसी भी प्लेटर किसी भी प्लेट्स को आप यूज कर सकते हैं। वाओ अच्छी इसकी फ्लेवर, इतनी अच्छा खुशबू आ रही है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। और जब आप खुद ट्राई करेंगे ना तब आप मुझे याद करेंगे। और प्लीज आप बताएंगे जरूर कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और एक चीज और, मेरे चैनल का सब साइट वो दे रखा है नीचे, आप देख सकते हैं पूरी चैनल की लिस्ट, उसके थ्रू आप मेरे और भी रेसिपी देख सकते हैं। इस तरीके से हम ये पूरा एक सिंगल लेयर बनाएंगे। और बस अब इस पे आप चटनी लगा सकते हैं, आप इस पे टोमेटो केचप लगा सकते हैं, इट्स योर विश। मुझे तो ये तेल बहुत पसंद है, ये तरीके से इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं आप। इस पे चाहे तो कोकोनट जो हमारा बीट करा हुआ रहता है वो, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इस तरीके से। एंड टोमेटो केचप, मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकती बट ये कह सकती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू ट्राई। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके बाय बाय।